से पूरे शहर में हलचल सी मच गई है। आइए जानते हैं सिटी कमिश्नर का लाइव मैसेज। एक बड़ी समस्या हमारी तरफ आ रही है। मुझे कुछ दिन पहले एक अनजान आदमी का फोन आया था। उसने धमकी दी है कि अगर गवर्नमेंट ने उसे 100 करोड़ रुपए नहीं दिए तो हमारे शहर पर उसकी बनाई स्पेशल मिसाइल छोड़ देगा, इंच बाय इंच हमारी खूबसूरत सिटी बर्बाद कर देगा। पुलिस को अभी तक कोई क्लू नहीं मिला जी, वो आदमी कौन है, कहां से आया है, अब कोई भी क्लू नहीं है। देखो, हम सबको एक साथ इस प्रॉब्लम को फेस करना है, फेस टू फेस। हे भगवान, ये तो किसी बड़े खतरे का अलर्ट है। डू नॉट वरी मॉम, सब ठीक हो जाएगा। लगता है ये मिसाइल अटैक है। जान बचानी है तो भागो। जान बचानी है तो भागो। अरे ये तो प्लेन की आवाज है। हाँ हाँ, सच में। थैंक गॉड। हैं? बचाओ। बच गए। मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है जी कि वो सावधान रहे, अलर्ट रहे, जब तक कि पुलिस कोई कदम नहीं उठाती या हमें कोई क्लू नहीं मिलता। मेरे हस्बैंड का बीपी तो हाई हो गया है, पता नहीं पुलिस कब ढूंढेगी उस धमकी देने वाले को। पर अगर खुद पुलिस कमिश्नर ही परेशान है, हेल्पलेस है, तो इसका मतलब है सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। समस्या तो है बहन जी, पर पुलिस कुछ नहीं करेगी तो कौन करेगा, कौन बचाएगा हमें, बोलो। मैं बताता हूँ, दो बातें हैं। फर्स्ट, मिसाइल एक रेडियो एक्टिव डिवाइस है और अगर बहुत सारी मिसाइल्स होंगी तो रेडियो फ्रीक्वेंसी में वो पता चलना चाहिए। सेकंड, अगर किसी को मिसाइल्स लॉन्च करनी है तो वो सिटी के अंदर से नहीं करेगा, बाहर से लॉन्च करेगा ताकि वो खुद बचा रहे। अब हमें चाहिए एक रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर जिससे हमें मिसाइल्स कहाँ पर है उसका पता चल जाए। पर कहाँ मिलेगा? अरे हाँ, अपने स्कूल लेबोरेटरी में। अभी तक स्कूल खुला नहीं होगा। लेट्स गो सिंपू। इसी कबर्ड में होगा, वो रहा। सिंपू, लेट्स गो टू द टेरेस। अब इस डिश एंटीना के जरिए हम रेडियो सिग्नल को पकड़ेंगे। अगर डिटेक्टर ने रेडियो सिग्नल को कैच किया तो हमें स्क्रीन पर पता चल जाएगा कि सिग्नल कहां से आ रहा है और कितनी दूरी पर होगा। डिस्टेंस कैसे काउंट करेंगे वो तो मुझे नहीं पता, पर डायरेक्शन तो मिल ही जाएगी। और जैसा मैंने कहा कि मिसाइल सिटी के बाहर ही होंगी, तो हम उसी डायरेक्शन में सिटी के बाहर मिसाइल्स ढूंढेंगे। सिंपल। मतलब मिसाइल की डायरेक्शन वहाँ है सिंपू,
रेडी फॉर एक्शन। हुआ साहेब, और एक प्रॉब्लम? एक और थ्रेट कॉल। पर अभी तक तो हम कुछ भी ट्रेस नहीं कर पाए हैं, और इस बार तो हमारा भेजा भी काम नहीं कर रहा है। तो अगर मैं इस धमकी देने वाले को नहीं पकड़ पाया ना, तो इस बार तो मेरी जॉब भी जा सकती है। मतलब आपके बाद हमारा नंबर आएगा कमिश्नर बनने का, है ना? हाय शपथ, और मैं बनूंगा इंस्पेक्टर। ओ कमिश्नर बनना भूल जा, और अगर तुमने ये केस सॉल्व नहीं किया ना, तो मैं तुम्हें सीधे हवलदार बना दूंगा, समझ गया ना? जी साहब। सिग्नल इस बिल्डिंग से आ रहे हैं। सिंपू तुम केयरफुल रहना, लेबोरेटरी में डेंजरस केमिकल्स भी हैं। बस अब कुछ ही देर में बूम। सिंपू जल्दी चलो, हमारे पास टाइम नहीं है और इसको रोकना होगा। इट्स टाइम टू टेस्ट द फर्स्ट मिसाइल नाउ। तुम? हाँ मैं, और ये भी। वेल, बाय द वे थैंक्स, लास्ट टाइम तुमने पकड़वाया और मैं कुछ ज्यादा ही मशहूर हो गया। जेल से भागने के बाद मुझे ये लैब बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, सो थैंक्स। अब ना ये लैब रहेगी और ना तुम, सीधे जेल में जाओगे। अरे ये टूट गया। अपना छोड़ूंगा नहीं तुझे, पूरी सिटी को बर्बाद कर दूंगा। डॉक्टर पांडे नाम है मेरा। ओए ओ प्यारे पांडू, ओ इधर आओ। ओए अभी जो मेरे दूसरे फोन पर कॉल चल रही है ना, उसको रिकॉर्ड करो और कॉल को ट्रेस करो जल्दी। हाँ जी सर। स्टॉप, तेरा खेल खत्म बच्चे। अब मैं ये बटन दबाऊंगा और मिसाइल लॉन्च हो जाएगी, और फिर तेरी सिटी का नामो निशान मिट जाएगा। तो रुके क्यों हो, टाइम वेस्ट मत करो, दबा दो बटन। तो ये ले। सिंपू लगता है पुलिस आ गई है, लेट्स गो। उन बच्चों ने मेरा क्या हाल बना दिया। डॉक्टर पांडे, बहुत हो गई आंख में चोली,
चलिए हवालात के अंदर। आता चल डॉक्टर, हवालात में डंडे खिलाता हूँ। और ले जाओ इस बंदर को। अब शहरवासी चैन की नींद सोएंगे। हाँ जी। एंड ऑफ क्राइम, इट्स सेफी टाइम। नो वे, हटो राघव, ये मेरी बॉल है। बंटी, हम सब मिलकर खेलते हैं ना। राघव, तुम भी आ जाओ खेलने। राघव, जाओ बॉल लेकर आओ मेरी। ये राघव भी ना कितना टाइम लगा रहा है। शायद उसे बॉल मिल नहीं रही होगी। चलो चलकर देखते हैं। राघव, 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 हो तुम? क्या कह रहे हो, राघव नहीं मिल रहा? मैम, मैंने तो पहले ही कहा था कि राघव को नहीं खिलाते, लेकिन ये चिंपू भी ना, अब मेरी नई बॉल भी घूम गई है। मैं अभी प्रिंसिपल सर को बता कर आती हूँ, तुम लोग शांत हो जाओ। आप सब ऐसे इस क्लास की टीचर कौन? आपका एक स्टूडेंट है, का नाम है, हाँ, ये अमित मिश्रा। लेकिन वो तो पिछले 3 दिन से, कल से स्कूल नहीं आ रहा है, यही ना? काहे कि उसका अपहरण हो गया है। पांडु, बताओ कैसे और कहाँ हुआ सब? अच्छा बच्चा लोग, तनिक ये बतावा कि अमित मिश्रा दिखता कैसा था? लेकिन सर, आपके पास उसकी फोटो तो होगी? हाँ सर, ऐसा ही लगता है अमित। इंस्पेक्टर सर, शायद आप पूछना चाह रहे हैं कि आखिरी बार हम सब ने अमित को कहाँ देखा था? अरे बच्चे ने तो हमारा मुंह का बात छीन लिया। जी, कल हम सबके साथ ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहा था, और जैसे अमित फुटबॉल खेलते हुए झाड़ियों के पीछे गया था, वैसे ही आज राघव भी। ए पांडु, सारी बातें लिख रहे हो ना तुम? ए पांडु, अरे मौन व्रत ने तो दिमाग खराब करके रख दिया। पांडु, सिंपू, बच्चे गायब होने का राज स्कूल से ही पता चलेगा। हो जाए एक और एडवेंचर। मैंने लास्ट टाइम राघव को यही देखा था। हाँ, ये किसका है और यहाँ कैसे? बस मेरी बॉल मिल जाए मुझे, पता नहीं कहाँ चली गई। हाँ, चलो सिंपू, हो ना हो इन अपहरणों की गुत्थी यहीं से खुलेगी। एक पल में कहाँ चला गया वो आदमी? यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। पेड़ों के बीच ये कैंडी का घर। हाँ,
प्लीज मुझे जाने दो मम्मी। मैं ना तुम्हें एक बेबी हिप्पो बनाऊंगा। तुमने बाहर वो सारे खिलौने देखे? वो सब तुम्हारे जैसे बच्चे थे जिन्हें मैंने खिलौना बना दिया। विदेश में ऐसे खिलौनों की बहुत मांग है। ये देखो, ये है एक ऐसी टॉफी जिसे खाते ही तुम एक क्यूट से बेबी हिप्पो बन जाओगे। यहाँ तो बहुत गड़बड़ चल रही है, हमें पुलिस को फौरन यहाँ बुला लेना चाहिए। दिया प्लीज एक मदद करोगी? हाँ हाँ क्यों नहीं। बस एक और क्लू मिल जाए। अरे पांडव फोन तो उठाओ जरा। इंस्पेक्टर अंकल मैं दिया। अरे बिटिया कैसी हो और पापा कैसे हैं? अंकल आपको पापा का मैसेज मिला? पापा ने आपको ब्राह्मण नगर अभी के अभी पहुंचने के लिए कहा है। ओके बाय देन। चलो ये डॉगी का सॉफ्ट टॉय मैंने कब बनाया था? अरे वाह, ऐसी बढ़िया चीज तो मैं ही बना सकता हूँ। चलो फिलहाल कुछ नई टॉफीज बनाते हैं। इस कमरे के अंदर तुम्हें क्या, मुझे भी जाना अलाउड नहीं है। चलो चलो। लगता है इस नो एंट्री वाले रूम से हमें कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। मम्मी मम्मी मम्मी। वाह सिंपू, मिल गया सॉल्यूशन। अब साइंटिस्ट की टॉपीज इसी को खिलानी होंगी और फिर इसका पूरा एक्सपेरिमेंट रिवर्स हो जाएगा। कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? अभी मजा चखाता हूँ। आओ बच्चे आओ, टॉफी खाओगे मेरे हाथों से? अरे अंकल आप क्यों नहीं खाते मेरे हाथों से ये टॉफीज? अपने आप को बहुत होशियार समझते हो हैं? चल इधर आ। गेम ओवर। ये मेरा बनाया हुआ सॉफ्ट टॉय नहीं नहीं ये मेरा बेस्ट फ्रेंड सिंपू है। Mm-hmm.
अरे तोहार कसम, यहाँ तो सारे खोए हुए बच्चे लोग मिल गए। वाह, हमने फिर कर दिखाया। लेकिन ये चोर है किधर? ये हथकड़ी किसको पहनाने का? का हो मौन व्रत का क्या हुआ? आप जुबान कैसे आ गई? पिटाई करे तुम्हारी? आई चप्पत सर, इन खोए हुए बच्चों को देखकर आपने आप आ गई। एंड ऑफ क्राइम इज सेल्फी टाइम।